हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों का एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो मेरा वांटू डाला, तो मेरा बाइक भी रेडी है बिल्कुल। अभी मैं नेपाल में हूँ, कन्यम में। तो यहाँ से जो रास्ता आप देख पा रहे हैं नीचे जा रहा है, ये वांटू डाला का रास्ता है। तो गाइस चलते हैं वांटू डाला और इसको एक्सप्लोर करते हैं। रास्ते काफ़ी ढलान रास्ता है, देखिए दोस्तों, और आगे जाके काफ़ी चढ़ाई भी है। तो पहले यहाँ पर ढलान है और आगे जाके फिर चढ़ाई शुरू हो जाए, खड़ी चढ़ाई है। काफ़ी दिन से मन था कि वांटू डाला आऊँ, और काफ़ी लोगों ने मुझे ईमेल भी किया था, काफ़ी लोगों ने मुझे सब मैसेज भी किया था कि अब वांटू डाला का ब्लॉग बनाइए। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए आया हूँ नेपाल, और मैं कन्याम आया था, लेकिन मैं सोचा कि वांटू डाला का भी एक बार ब्लॉग बनाऊँ, ताकि आप लोग घूमने जब आएँगे वांटू डाला तो आप लोगों को आसानी हो घूमने में। गाइस वांटू डाला का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी चढ़ाई भी है और काफ़ी ढलान भी है। गाइस मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि अगर आप लाइफ में एक बार नेपाल ज़रूर आइएगा। नेपाल अगर आप नहीं आए तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, क्योंकि नेपाल है एक बहुत खूबसूरत रास्ता। सो गाइस मैं वांटू पहुँच चुका हूँ, और ये वांटू का बाज़ार है, और सीधा हम लोग जाएँगे तो पहुँचेंगे सनराइज़ व्यू पॉइंट है, ऊपर से जो सनराइज़ दिखता है यहाँ से, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पर वांटू में। और गाइस बहुत खूबसूरत जगह है वांटू। तो चलते हैं पहले सनराइज़ व्यू पॉइंट, उसके बाद फिर जाएंगे पोखरी में। वाह दोस्तों, वाह, क्या खूबसूरत जगह है दोस्तों, वाह। यहाँ पे ग्राउंड है एक, और तो चारों तरफ पाइन की ट्री भी है। तो पाइन की ट्रीज दोस्तों मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ से रास्ता जो ऑफ रोडिंग है, तो चलते हैं ऊपर में। वाह दोस्तों, वाह, क्या वेदर है और क्या जगह है दोस्तों, वाकई जन्नत से कम नहीं है दोस्तों। ये इसको बोलते हैं जन्नत दोस्तों। बैंक में पैसा रखिए, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों सिर्फ पैसा रखने से फ़ायदा नहीं है। कभी लाइफ में समय मिले दोस्तों तो समय से घूम लीजिए, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे दोस्तों। ये जन्नत है, जन्नत देखिए, वाह भाई वाह, क्या रास्ता है और क्या जगह है दोस्तों, सच में दिल गार्डन गार्डन हो गया है दोस्तों। बिल्कुल पान की ट्री हर जगह मिलेगा आपको। रास्ता ऑफ रोडिंग जरूर है, लेकिन दोस्तों बहुत खूबसूरत है, और ऐसा ऐसे रास्ते में आने का मौका बार बार नहीं मिलता दोस्तों। इसलिए लाइफ में दोस्तों इसे कहते हैं धरती का स्वर्ग। क्या खूबसूरत नज़ारा दोस्तों। दोस्तों मैं कहाँ पे आ गया, मुझे डर भी लग रहा है कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे मेरे को। वाह भाई वाह, क्या नज़ारा है। तो गाइस मैं भी वांटू में हूँ, और ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं गेट, ये सनराइज व्यू पॉइंट का रास्ता है। तो यहाँ पे कुछ टिकट काउंटर वगैरह भी है, तो आइए पूछते हैं यहाँ टिकट कितना है। तो गाइस अभी तो बजे हैं दिन के 2, तो क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के करीब, यहाँ बहुत भीड़ होता है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर सनराइज़ देखने आते हैं। तो मेन सनराइज़ का व्यू पॉइंट यहाँ से आपको सामने में है, तो आइए चलते हैं देखते हैं। अभी तो 2 बजे हैं, लेकिन दोस्तों अभी इतना भीड़ नहीं है यहाँ पर,
तो यहाँ पर बहुत सारा होम स्टे वगैरह है, रिजॉर्ट वगैरह है। शाम को यहाँ पे आके रुक सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग यहाँ ऊपर में आ सकते हैं। तो गाइस चलते हैं अंदर में, आइए पूछते हैं टिकट का प्राइस कितना है। टिकट प्राइस कितनी हो? 50 रुपीज़। तो गाइस यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो 50 रुपीज़ नेपाली रुपीज़ में, तो इंडिया का समझ लीजिए लगभग 30 रुपीज़ के आसपास है। तो यहाँ से हम टिकट लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सनराइज़ व्यू पॉइंट में जाएंगे। ये देखिए गाइस, इस तरह का आपको टिकट मिलेगा और जिसका कीमत है 50 रुपीज़ नेपाली रुपीज़ में। अभी मैं अंदुराणा में हूँ और ये अंदुराणा का व्यू पॉइंट है जहाँ से सनराइज दिखता है। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पर, अभी दिन के 2 बजे हैं, अभी तो सनराइज सन तो काफ़ी ऊपर है दोस्तों, लेकिन अगर आपको सनराइज देखना है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आपको यहाँ पे आना होगा। तो 5 बजे आप आएंगे तो आपको यहाँ से सनराइज दिखाई देगा बिल्कुल सामने में। तो सनराइज देखने के लिए दोस्तों यहाँ से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, इंडिया से और नेपाल से आते हैं और इंडिया से भी लोग आते हैं। तो सनराइज व्यू पॉइंट है ये अंदुराणा का, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ का सबसे अच्छी बात है कि वेदर काफ़ी अच्छा है। कल दिन का समय है तो लोग काफ़ी कम है, लोग ना के बराबरी है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए आया हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ कि यहाँ का व्यू पॉइंट कैसा है। तो काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है दोस्तों, जब भी आप लोग अंदुराणा आएंगे तो यहाँ पर सनराइज व्यू पॉइंट जरूर आएगा। और साथ में कन्यम भी पास में ही है, तो कन्यम भी आप जा सकते हैं। तो कन्यम से ये यहाँ की दूरी लगभग 1 घंटे का रास्ता है, आप 2 व्हीलर से भी आ सकते हैं या 4 व्हीलर से आ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आने के लिए अंदुराणा व्यू पॉइंट आने के लिए रास्ता थोड़ा ऑफ रोडिंग है, तो जब भी आप लोग आइएगा बिल्कुल ध्यान से आइएगा क्योंकि रास्ता ऑफ रोडिंग है और काफ़ी खड़ी चढ़ाई भी है। तो चढ़ाई में बाइक भी, जब बाइक से आप लोग आएंगे तो बाइक भी बिल्कुल धीरे चलाइएगा, और कार और या फिर 4 व्हीलर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उससे आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए आप 2 व्हीलर भी यूज़ कर सकते हैं और 4 व्हीलर भी, 4 व्हीलर से भी आप आ सकते हैं। तो गाइस जब भी आप लोग अंदुराणा आएंगे तो यहाँ पर अगर आपको सनराइज़ देखना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग आना होगा या तो आपको रात को यहाँ आकर रहना होगा, तो इसके लिए यहाँ पर होम स्टे वगैरह भी है। तो ये अंदुराणा होम स्टे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी है दोस्तों। तो यहाँ पर रहने के लिए और खाने का व्यवस्था काफ़ी अच्छा है। तो गाइस जब भी आप लोग अंदुराणा आएंगे तो अंदुराणा में आपको इस तरह का होम स्टे मिलेगा जहाँ पर आप लोग रात में आके रह सकते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके सनराइज़ दे सकते हैं। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग आना पॉसिबल नहीं है, तो रात को ही आपको यहाँ पे आके रहना होगा। तो शाम को अगर यहाँ रुकेंगे तो अर्ली मॉर्निंग आप जल्दी जाके अंदुराणा में सनराइज़ का आनंद ले सकते हैं, सनराइज़ देख सकते हैं। तो इस तरह का आपको होम स्टे मिलेगा। आइए जान लेते हैं यहाँ का चार्जेस क्या है। रेस्टोरेंट आपको मिलेगा जहाँ पर नेपाली खाना और आपको इंडियन खाना दोनों मिलेगा, तो इस तरह का रेस्टोरेंट आपको यहाँ मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं यहाँ का ऑनर से कि यहाँ का प्राइस क्या है। तो हेलो, रूम को चार्जेस कति हो र खाना का चार्जेस कति हो भनिदिनु न। रूम नर्मल रूम हेर्नु भयो भने 800 एन्ड 8 इज रूम चाहिँ 1200 देखि 2000 सम्म छ। अच्छा, अनि खाना भेज खाना खानु भने 200, लोकल चिकन खानु भने 380, अनि बोइलर खानु भने 300। अच्छा, तो रूम को जुन चार्जेस छ यहाँ निर तपाईको 800 रुपैया देखि स्टार्ट छ। सिंगल रूम को 800 रुपैया, 800 रुपीस एन्ड डबल रूम लिनु भयो भने चाहिँ 1200 देखि लिएर 2000 बीच में छ। त्यो रूम हेरी हेरी चार्जेस छ। तो यहाँ आ रहा बुकिंग कसरी गर्नुपर्छ कि अनलाइन बुकिंग हुन्छ? तो अनलाइन बुकिंग होता है दोस्तों, इनका कहना है कि अनलाइन बुकिंग भी होता है। तो आपको मैं इनका नंबर दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनको कॉन्टेक्ट जाकर कर सकते हैं। इनका कहना है कि रूम का जो चार्जेस है वो 800 से लेकर 1200 और 2000 के बीच में है। तो जिसमें आप लॉजिंग आपका फ्री है, लेकिन फूडिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो फूडिंग के लिए जो वेज थाली है वो 200 रुपीज़ है और चिकन थाली जो है आपको 300 रुपीज़ है।
तो इस तरह का यहाँ पर दोस्तों पैकेज है। तो जब भी आप लोग अंदुराड़ा आएंगे तो ये अंदुराड़ा होम स्टे है, यहाँ पे आप लोग आके रुक सकते हैं और सुबह में अर्ली मॉर्निंग जाके यहाँ से सनराइज भी देख सकते हैं। तो गाइस मैं पहुँचा हूँ अंदुराड़ा का पोखरी, जो कि यहाँ पर एक लेक है, काफ़ी फेमस है अंदुराड़ा। जब भी आप लोग अंदुराड़ा आएंगे तो यहाँ पर एक लेक है जहाँ पर आप लोग जाके लेक देख सकते हैं। इस अंदुराड़ा के बिल्कुल पहले ही एक लेक है जहाँ पे आप लोग बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आइए मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह का लेक है यहाँ पर। तो गाइस इस तरह का लेक यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ बोटिंग के लिए बोट वगैरह रखा गया है जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों गाइस अभी मैं अंदुराड़ा के रास्ते में एक पोखरी है वहाँ पे हूँ, पोखरी माने लेक है। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस तरह का लेक बना हुआ है जहाँ पर कुछ बोटिंग वगैरह आप कर सकते हैं आके। तो यहाँ बोटिंग के लिए अच्छा व्यवस्था किया गया है, देखिए 1 2 3 4 बोटिंग यहाँ पर दोस्तों आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हाइट में बना हुआ लेक है, तो जैसे मिरिक वगैरह में है तो उस तरह से दोस्तों यहाँ भी एक बहुत बड़ा लेक है जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं और काफ़ी शांत है दोस्तों यहाँ पर जगह। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है मेरे को। तो गाइस मेरे पीछे आप देखिए कितना खूबसूरत लेक है और लेक के चारों तरफ पहाड़ है दोस्तों, देखिए क्योंकि ये पहाड़ के बीचों बीच बना हुआ लेक है। तो दोस्तों नेपाल के बारे में मैं क्या बोलूँ आपको, नेपाल काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। नेपाल जब भी मैं आता हूँ तो नेपाल से यहाँ वापस जाने के मन नहीं करता दोस्तों। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लाइफ में एक बार नेपाल नहीं आए दोस्तों तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, क्योंकि नेपाल में घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है दोस्तों। अंदुराड़ा आप लोग आएंगे तो अंदुराड़ा आने का दो फायदे हैं दोस्तों। एक तो सामने में लेक आपको दिखाया मैंने अभी, वो तो एक सनराइज़ जो व्यू पॉइंट है वो, तो आप दोनों चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोग इंडिया से आते हैं तो इंडिया से आने के बाद आपको सीधा आके यहाँ पे रुकना होगा होम स्टे में। तो होम स्टे में रुकेंगे तो आप दोनों चीज़ों का व्यू ले सकते हैं, एक लेक का भी और सनराइज़ का भी। तो गाइस आज का वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।